है। ये देखो ये आम का पेड़ मिला ऊपर में, इतने ऊपर में ये मैंगोस का पेड़, जबरदस्त बैठने का भाई। आज चलो मस्त करके ऊपर में जरा गुब्बारा रखे 5 मिनट। वाह क्या बात है भाई, ऊपर जाते हैं, डूंगर का नाम तो पता नहीं लेकिन चलते हैं, जो कुछ नेचर है इसीलिए दिखाता हूँ। हाँ बुजार डूंगर किला, खाली किला हम कहते हैं क्या डूंगर नाम, खाली किला ही, खाली किला डूंगर का नाम। चलो तो जाइए, हरा क्या जबरदस्त नज़ारा भाई। ये देखो ये ऊपर में जबरदस्त व्यू है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेरी नाइस है भाई। ये तो देखो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, पवन अभी आया, अभी इतना मस्त पवन आया। आगे चलते हैं, थक गया हूँ भाई, चलते हैं। पूरा जंगल में आ गए है, वो जंगल में आ गया है। कोई बात नहीं भाई, आज ऐसा पूरा सकड़ा रास्ता है, बाइक तो जा सकती है लेकिन काफ़ी संभल के चलाना पड़ेगा, रास्ता ऐसा उबड़ खबड़ का है ये, लेकिन पैदल ही अच्छा रहेगा जाने में। यहाँ पे मानसून में जबरदस्त नज़ारा रहता है, चौमासा बहुत फाइन नज़ारा रहता है चौमासा में। तो हम लोग थक गए हैं अपना ये रंजीत भाई के साथ, तो यहाँ पे बैठ के हर तरफ जाने का है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले लिया, थक गए थे थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट आराम कर लिया। चलो चलते हैं रंजीत भाई, चलो वाह क्या नज़ारा है। बराबर तुम्हारी भाषा में अपने कहाँ जाता है कि कोंकणी भाषा में डांगी में डांगी। तो हमें दोन जन हाथ किला वो रात जाए जो हूँ बस। हाँ रंजीत भाई हमारा दोन जना किला पर जाए जो हूँ। हाँ किला आज बहुत दूर रहा। हाँ हमें अर्धे जहाँ आज ने हमें आज अर्धे यहाँ। हाँ ये थी भाई रंजीत भाई, तू बोलो ती माला गम हो। हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा भाई, ये देखो पूरा जंगल आ गया ने मेरे साथ में, यहाँ मेरे साथ में ये रंजीत भाई है भाई। वाह वाह क्या बात है, वाह सर 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 वरुण बराबर से मस्त यार बदल उसे भाई। आज दूर से है तो आज तो दूर रहा, आज तो दूर रहा, तो मेरे साथ में है भाई। वहाँ पे एक किला जैसा है वो दिखाने के लिए चलता हूँ। ये दूसरा स्टॉप लिया हमने और 5 मिनट बैठते हैं ऊपर रखे बराबर ने, ऐसा जंगल में होकर जाना पड़ता है। तो अपना ये डूंगर का नाम है किला डूंगर, किला के रे। हाँ किला डूंगर है भाई, ये देखो बम्बू वास कितना पूरा भर गया है भाई, ये बम्बू वास ये देखो। हाँ। बराबर रंजीत भाई आज तो बहुत अपह। हाँ आज तो जाता जाता आप वाला बार ही बाजी जाती किला और जाता है जाता किला और जाता है किला और जाता है। हाँ 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 बराबर। अब मैं भाषा सीखता से आना भाई पर रंजीत भाई पर, ये डांगी भाषा बहुत अच्छी लगती है भाई मेरे को सीखने का है, लेकिन ऐसा डेली ऐसा यूज़ करते रहेंगे तो आ सकती है बराबर ना। ये बात है आज तो बहुत अपूला, तो जाते जाते हमारा दोनों हो आज ही जाती चल रहे थे थोड़ा बहुत। ये डांगी भाषा है भाई, मेरे को चढ़ते चढ़ते वो भाई ने सिखा दिया, थोड़ी बहुत तो सिखा ही दिया मेरे को डांगी भाषा। ये रास्ता है भाई, रास्ता बहुत बराबर रास्ता नहीं है तो आराम से चढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ कारवी। हाँ बीत भर उन्होंने। हाँ क्या उन्होंने कारवी। हाँ हमारा भाषा में इन्हें करावू के। हाँ डांगी भाषा में कारवी, कारवी कहते हैं। हाँ तो ये घर में ये लिपाई करते हैं ना वहाँ। हाँ बराबर यूज आता है। हाँ ओह खजली ना उसे पकड़े नहीं बराबर ने। हाँ बराबर आउ से ऊपर तो मत डांगी भाषा में, डांगी भाषा में ऊपर वर मस्तो हा, वर मस्ता हा। हाँ वर। हाँ वर। हाँ हाँ बराबर वर मस्ता हा ऊपर हेरुला जीसा। हाँ हेरुला जीसा। हाँ वर मस्ता हा हेरुला जीसा। हाँ एटले ऊपर में आवे ने। हाँ ऊपर ने तेना वर के भाई। हाँ तो हम चलते जा रहे डांगी भाषा तो मैं सीख जाने वाला हूँ। ये भाई डांगी भाषा रंजीत भाई है मेरे साथ में। ये देखो ये पेड़ यह जबरदस्त नज़ारा भाई, तो ये रास्ता जाने का है। वाह 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 चलो तुम्हारी भाषा में कह दे।
तो आता आमी डोंगर ने नजी की गे हूं आता नजी को जी गे हूं हां जरा कवार रोही निचोडू हां 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 आज अबे का आप भाई कैसे के मैं डोंगर ने नजी का आवी गेला से ने पछि चा जाने बताऊं बराबर ने मस्त डांगी भाषा मेरे को समझ में आती है लेकिन इसको मैं ट्रांसलेशन कर लेता हूं बराबर तो ये देखो यहां पे बस बस आगे चलते हैं रणजीत भाई रणजीत भाई अपना जी कितना चली आईवा 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर चली ये 2 किलोमीटर वधारे होवा 2 किलोमीटर वधारे होवा हां तमे 2-3 किलोमीटर चली आईवा हां तो जे तो हमरो कहे नजदीक से वो कहे लागतो से हां अजी तो लगभग 1 किलोमीटर होवा 1 किलोमीटर है अजी का 1 किलोमीटर है हां वाह चलो मस्त है रणजीत भाई वाह तुम्हारी भाषा YouTube पर पहली बार है ये देखो नीचे का व्यू ऐसे तो पूरा धुम्मस आ गया इसलिए थोड़ा धुआं धुआं जैसा दिखाई देता है अभी सीजन तो मॉनसून ख़त्म हो गया तो विंटर का सीजन आने वाला है तो ये नज़र है ऊपर का और मेरे साथ में है ये रणजीत भाई इसने डांगी भाषा मेरे को सिखा दी ये इतना बड़ा कोलसा ये लगभग जल गया है ये इतना बड़ा ऊपर में पूरा जंगल है भाई चलो चलते हैं हाँ हाँ इधर आवाज़ जैसी आती है एक मिनट लेकिन मेरे साथ में ये है तो मेरे को मैं इनके भरोसे पे आया हूँ आपको डर नहीं लगता ना नहीं चलो कोई बात नहीं चलते हैं आवाज़ लगा दोगे हाँ लगा दे है हाँ उठाऊंगी उस आवाज़ जैसी आती है पाड़ा से है हाँ 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 वाह वाह ये बात है भाई हम तो डर गए थे भाई हाँ 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 बराबर न देखो इतना जंगल में भैंस ने पाड़ा जानते तुम्हारी भाषा में भाई पाड़ा चल बात आओ हमारे हमने भाषा में हिलगा बरे जे बरे हाँ 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 ये देखो अब आज से हाँ चल चल इतने जंगल में देखो ये दिखा था हम डर गए थे यहाँ पे क्या है लेकिन ये देखो इतने जंगल में क्या बात है भाई वो भी एकदम ऐसा ही खड़ा है पाड़ा से ना के हाँ जोड़ी देनी है बराबर ना ये देखो पूरा जंगल में आवाज आवाज नहीं साथ में है लेकिन जंगल में ऐसा हमको आ हूँ क्या होते से हल्का तो उनकी भाषा में ऐसा कुछ हल्का कहते हैं हम आता हम तो भेज जाऊ से पण आने आलो के डांगी भाषा में हेलगा हेलगा कहते हैं एने थी जो मैं खेती खेती कर रही है ओहो इसके से फार्मिंग करते हो आप लोग बराबर हारू की भाई सारू की भाई तमे आना थे खेती का तुम्हारी भाषा में हूं के खेडूला तमे जोड़ी ने खेडूला हां हां चल सरस सरस हमें डर गए थे लेकिन इसमें ये हेलगा है हेलगा हूं देखो के होते हेलगा हां तुम्हारी भाषा में हेलगा हां हेलगा हल्का हम आते वक्त हम डर गए थे यहाँ पे किया है तो ये भाई ने मेरे को हिम्मत दिया भाई चलो मैं साथ हूँ बराबर वागी रह सकता है जंगल नहीं गोटा के उन्हीं उतरी सकता है हाँ 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 जंगल जंगल जंग आ भाई कहते थे जंगल से वाघ पण रह सके हमारी भाषा में हूँ हेलगा कहने तो हमारे गुजराती भाषा में कहते हैं इसको ये पाड़ा ऐसा कि इसको ऐसे पाड़ा इसको जो जंगल में वो लेके आते हैं उसको बाद में खेती करते हैं उनको ऐसा जोत करके बराबर इधर दूर रास्ता गया लगता है उधर जाना पड़ेगा कई बजे हो दूंगा तो आता हम नजीक गए तो डोंगर एरज दिस हो नजीक आना हमारा हाँ भाई कही सके हमें डूंगर नजीक आई गए से एट्ले ते हमें बो आगे नहीं बराबर वही बात है भाई तो डूंगर बहुत नजीक आ गया है तो अभी कुछ ही देर में हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ का नज़ारा और व्यू दिखाऊंगा ये तो पक्की झाड़ी है बस आप भाई कैसे कहा तो बहुत झाड़ी आई गए से पूरा जंगल आ गया है भाई बराबर ये देखो ये संभल के जाना पड़ता है बराबर ओह
ये डूंगर पे जाने का है, लेकिन पूरा धुआं आ गया है तो हम डोंगर पर जावला हम उन धुमड़ा भी गया से जाक ढुकट आई जाएगी ही चल आ डूंगर पर जाने से पर धुमड़ा भी गया से हम कैसे चल बस सरस वो जबरदस्त वीडियो होने वाला है भाई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करने का और मन तुम्हारी भाषा में कह दे तो वीडियो गो मिल तो लाइक ने सब्सक्राइब कर दीजा।